अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। और अभी के बज रहे हैं 8:30। आज सुबह सुबह मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ ये भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ ज़ियारत में। कौन सी ज़ियारत? पुंछ जो ज़ियारत है ना सामेरे की, उधर जा रही हूँ। तो चलो आपको वो भी दिखाते हैं, आगे जाके ज़ियारत भी दिखाते हैं कैसी है कैसी नहीं। अगर आपको ज़ियारत पे आना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको बता दूँगी। चलो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं पहले बताओ। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम ज़ियारत पे जा रहे हैं। पुंछ ज़ियारत पे जा रहे हैं, वहाँ सामेरे की ज़ियारत पे। वहाँ पे आप दुआ मांगोगे मेरे लिए? क्या मांगोगे? अल्लाह बेबी मुझे दे दे मामी के लिए एक। अच्छा, अल्लाह को बोलोगे अल्लाह बेबी दे दे मामी के लिए एक? ओ मेरा बच्चो, बस आप ये मांगना, ठीक है? ठीक है, तो गाइस को बोलो, गाइस हम ज़ियारत पे जाके आपको मिलते हैं। बोलो हेलो गाइस, हम ज़ियारत पे आपको मिलते हैं। आपको ज़ियारत पे जाके मिलते हैं, ठीक है? ठीक। क्या लेना है? कौन कौन सी गाड़ी लेनी है? कौन सी? ये वाली? अच्छा, इसको क्या करेगी लेकर? बैडमिंटन यार, इस ज़ियारत का नाम भूल जाती हूँ मैं। सामेरे। हाँ, सामेरे की ज़ियारत का बाजार है। सामेरे बाजार। जी हाँ जी। गाइस ये देखो ज़ियारत, इसका मुझे नाम सामेरे बावे की। हाँ, ये सामेरे बावे की ज़ियारत है। देखो कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये तो फ्रंट वाली साइड तो नहीं है, बैक वाली साइड है। ये मदरसा जी हाँ, और ये मदरसा है। हाँ, ये ऊपर मस्जिद है और नीचे मदरसा है। और यहाँ पे खाना नहीं, यहाँ पे ये वॉशरूम है ना, तो ये है पाकिस्तान का बॉर्डर सीमा, इंडिया का बॉर्डर। देखो सीमा कहाँ से आई थी? वो यहाँ से नहीं आई थी। ये आप देख सकते हो, ये ऊपर क्या है? लास्ट पाकिस्तान की पोस्ट है, आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन हम वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन हाँ पता है या नहीं है। चलो आपको मैं फ्रंट से भी ज़्यादा दिखाती हूँ। गाइज आप ये देखो व्यू, आपको लाना जरूरी है। ये देखो मेरे धरन पति के, नहीं मेरे हस्बैंड। मैंने नहीं अपना दिखाया, तो आपको क्यों दिखाऊं? नहीं, बोलो बोलो क्या बोल रहे थे अभी? ज़ियारत कैसी लगी है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, मैं तो दो बार आ चुकी हूँ। हाँ चलो आगे दिखाते हैं गाइस आपको। लंगर का क्या चार्ज बताएंगे? वाले बैलून पकड़े हुए गाइस, हम जा रहे वापस। हाय हाय, सुकून मिलता ज़ियारत पे आके। अब हम जा रहे हैं वापस। मायरा वो नीचे दौड़ी, मायरा मायरा इधर। गाइस हम आपको घर पर मिलते हैं। चलो गाइस, ये छोटा बच्चा हमारा, इसको बैलून लेके दिया, बेचारा रो रहा था, चुप नहीं हो रहा था। इधर देखो ये छोटा बच्चा है। चलो गाइज बहुत बातें होगी, हम घर पहुंच के आपसे मिलते हैं। गाइज मैं ना ज़ियारत से वापस आ चुकी हूँ, और शाम को मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम मंडी चले गए, वहाँ पे हमें कुछ काम था। वहाँ से वापस आए 7:30 बजे, घर पहुंचे और खाना शाना खा के जल्दी सो गए थे क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। टांगे दर्द करने लग पड़ी थी क्योंकि जब वो जो ज़ियारत है ना उसकी पता नहीं 250-300 पौड़ी है, वो चढ़ते चढ़ते बंदे की जान निकल जाती है, इतनी ज़्यादा पौड़ी है। तो वहाँ से वापस आए और अच्छा हमारा जो जाने का प्लान था बहुत अच्छा था, और आए भी बड़ी मज़े के साथ, गए भी मज़े के साथ हैं। हमारा आप बताओ, हम ज़ियारत में गए थे, मैंने वहाँ से टोटा लिया, वहाँ से कुत्तों के लिए मैंने टोटा लिया, उसको मैं फलक मामू को दे दिया। इतनी मैंने मामू को बोला
ये बो रही है, मैंने वहाँ से पैरोट लाया और मैंने अपनी फ्रेंड जैसे कि हमारे मतलब इस कज़न ही है इनका, उसकी बेटी को दिया वो पैरोट, तो मैंने वहाँ से पैरोट लाया। आपने दुआ क्या मांगी थी, आपने मुझे बताया नहीं। मैं आपको कुछ बोलूंगी ना, कुछ तो बोल मुंह तो खोल। वो तो गाना है ना, आप पहले बताओ ना, आपने ज़ियाद पे दवा क्या मांगी थी, इधर बताओ ना मुझे। मेरा पुत्र है ना, इधर बता, बता ना, फिर दुकान पे चौक पर। मैं ज़ियाद से मांगा अल्लाह बेबी। किसको बेबी दे? आप मुझे तो दे, आप अपने लिए नहीं मांगा कुछ भी। मांगा था क्या? अल्लाह मुझे छोटा सा बेबी दे दो, मम्मी। अच्छा, आपकी मम्मा को भी छोटा सा बेबी दे दे और मामी को भी। हाँ, सारे को। सारे को दे दे। आई लव यू टू। हम पापा को भी दे दे। अच्छा। हाँ। फिर जब बेबी होगा तो फिर आप उठाओगे उसको? हाँ। मैं उसको चांटा मांगी। मैं नहीं देती आपको, मैं आपका बेबी भी खींच लूँ। मैं उसको चुप रहा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। यार कुछ पाऊँ मंगाए? मामू गए? मामू दुकान में। मामू दुकान पे चले गए? मैं उसको थप्पड़ मारूंगी। गाइस, मैंने वीडियो इसलिए बंद की क्योंकि कोई आ गया था, बड़ी दीदी जो थे आ गए थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बंद कर दी, क्योंकि मैं बनाती हूँ, सबके सामने बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर भी वो आ गए तो ऐसी बातें शातें करने लग गए, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी में क्या वीडियो बंद करनी पड़ी। और मायरा भी ऐसे ही फालतू भी फेंक रही थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल पे। अगर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे भी अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे आपको। मैं घर पे ज़्यादातर घर पे व्लॉग बनाती हूँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, कुछ को आता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, घर से बाहर जाने नहीं होता, इसीलिए लेट हो जाता है, बंदा घर से बाहर जा ही नहीं सकता। मेरे हस्बैंड जो है वो शॉप पे चले गए, घर पे आंटी जो हैं, जो मेरी सासू हैं, वो घर चले जाएँगे, तो घर पर कोई होगा नहीं, इसलिए मुझे यहीं रुकना पड़ता है, मैं कहीं जा नहीं सकती। फिर भी मैं टाइम निकालूँगी, बाहर जाऊँगी और वीडियो शूट करूँगी और आपको इससे भी अच्छी अच्छी जगह दिखाएँगे। अभी तो मैं गाना पियाने वाला, बस इंशाल्लाह जब भी आएगा तो मैं चला ही दूंगी। अभी मैंने गाना शूट करने के लिए जाना है, मैंने गाना बना रही हूँ, मेरा न्यू सॉन्ग, वो भी आप देख ही लेना, अपने इसी चैनल पे आएगा। अभी टाइम लगेगा, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगी, लिंक डाल दूंगी, और इंस्टा पे जो है वो भी है, वहाँ पर भी तो मैं हमेशा डालती हूँ, अभी भी डाल दूंगी। चलो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहले भी बोलती अभी बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।